नमस्कार, मैं हूं शीना और आपका स्वागत है भारत इंटरनेशनल न्यूज पे। और आज हम है लाइव इंडिया के आन बान शान, जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है भाई। WWE का सफर कर रहे हैं, जिन्होंने एक छोटे से हिमाचल के गांव से WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके हमारे अपने द ग्रेट खली से हम मिलेंगे आज। नमस्कार सर। नमस्कार। पीएम मोदी का सपोर्ट करते हुए कहा कि ये लॉकडाउन बहुत ही अच्छी चीज है। हर चीज को हम पीएम मोदी के जितने भी इंट्रोडक्शन दिए हैं उन्होंने, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोरोना वायरस में जो सबसे अभी चल रहा है, मौलाना शाद जो कि हेड थे, आपको पता ही है तबलीगी जमात जो हुआ था, क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में मौलाना जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये मतलब क्वेश्चन है ये कि जो ये जमात लोगों के लोग हैं, बल्कि हमारे देश पे, हमारे हिंदुस्तान पे, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जो जमात के लोग हैं ये, इन्होंने जो अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग शहर पे फैलाया है, बहुत एक दर्दनाक एक घटना और हादसा है। और एक अफसोस होता है कि एक हिंदुस्तानी के नाते क्यों ऐसी हरकतें करते हैं। तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि इनको जितनी ज़्यादा ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा दी जाए तो उनको दे ही है, क्योंकि मतलब ये खुद नहीं जीना चाहते और को भी नहीं जीने देते। सो मेरी एक ही मतलब सरकार से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने ये ऐसी हरकत करी है कि भाई मतलब पूरे देश में फैला दिया, इनमें बहुत सख्त एक कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो मैंने सुना था, जो एक जो डॉक्टर के साथ, जो एक नर्स है उनके साथ बहुत एक अश्लील हरकतें करी है, जो सो बिल्कुल भी, जैसे बोलते हैं ना कि केस चला रहे उन पे, वो धारा ला रहे, मैं कहता हूँ कि उन पे कोई धारा नहीं लगानी चाहिए, उन पे सीधा उनको फांसी पे लटकाना चाहिए, उन पे गोली मारनी चाहिए, क्योंकि ये जो जो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, और अगर ऐसे ऐसे उनको ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे हिंदुस्तान में जो एक उग्रवाद है ऊपर को बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक सज़ा दो, सज़ा भी ऐसे मौत गोली की या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं ग्रेट खली जी, आपको दुनिया के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के मुकाबले? आप बहुत ही ज़्यादा यंगस्टर के लिए क्या कहना चाहते हैं आप इस कोरोना वायरस की लाइफ में? मैं सारे को यही बताना चाहता हूँ कि भाई मतलब जो भी हमारे देश में जिनने कोरोना वायरस फैलाया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा और जल्दी से सज़ा देनी चाहिए। पता नहीं एंट्री भी चल रही है, गिला कर रही है, कर रहे हैं।